नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। यूपी में निकाय चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी और समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से तैयारियों में जुट गई है। चुनाव की रणनीति बनाने के लिए सोमवार की शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित अपने आवास पर मंत्रियों की बैठक बुलाई है। कोशिश है कि निकाय चुनाव के जरिए ही मिशन 2024 के लिए किए कार्यकर्ताओं के बीच टेम्पो हाई कर दिया जाए। जी हाँ, सीएम योगी ने सोमवार शाम अपनी सरकार के सभी मंत्रियों की बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में मंत्रियों को बताया जाएगा कि किस तरह आचार संहिता का पालन करते हुए भाजपा सरकार के कामकाज को जनता को बताया जाए। सीएम की बैठक में दोनों उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक के अलावा अन्य सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री और अन्य राज्य मंत्री शामिल होंगे। भाजपा ने अपने मंत्रियों को चुनाव के नजरिए से जिम्मेदारी दे रखी है, जिसमें क्षेत्र में संवाद संपर्क का अभियान भी शामिल है। वहीं इसके अलावा अखिलेश यादव ने भी निकाय चुनाव को देखते हुए तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी हैं। निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सपा लोकसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करेगी, इसलिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते हैं। शहरों में बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर लोकसभा चुनाव के लिए सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले हो रहे नगरीय निकाय चुनाव के जरिए बड़े शहरों में भी पैठ बनाएगी। निकाय चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सपा लोकसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार कर रही है। साल 2017 में नगर निगमों के मेयर पद पर खाता ना खोल पाने वाली सपा इस बार मेयर पद के लिए भी मेहनत कर रही है। प्रत्येक नगर निगम के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को पर्यवेक्षक बनाया गया है। सपा नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में अपने पिछले प्रदर्शन से और बेहतर करने की रणनीति बना रही है। पार्टी की रणनीतिकारियों का मानना है कि निकाय चुनाव में अच्छे प्रदर्शन से कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ेगा और इसका असर लोकसभा चुनाव में भी पड़ेगा। निकाय चुनाव को सेमीफाइनल मानते हुए पार्टी इसके जरिए शहरों में भी अपना संगठन मजबूती से खड़ा कर लेगी। साल 2017 में 16 नगर निगमों के चुनाव हुए थे, उसमें मेयर के 14 पदों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी, जबकि 2 सीटें बसपा के खाते में गई थी। सपा भाजपा के इस दबदबे को कम करने की कोशिश करेगी। आक्रामक तरीके से प्रदेश सरकार को घेरने के साथ ही उसकी नाकामियां जनता के सामने रखेगी। जनता की स्थानीय समस्याओं और उनकी तकलीफों को पार्टी प्रमुखता से उठाएगी। परंपरागत मुस्लिम यादव समीकरण में दलितों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।